विदाउट सपोर्ट, तो उनसे बात करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट कपल है, दो ऐसे लोग जिन्होंने मेरे करियर के आगाज में मेरा बहुत साथ दिया, लिटरली उंगली पकड़ के भाभी के केस में और भाई के केस में गला पकड़ के इन्होंने मुझे इंडस्ट्री में काम करना सिखाया। अब सिखाने का मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आपको स्पेशली जब आप मॉडलिंग की फील्ड में आते हैं तो यू डोंट नो हाउ टू डील विद पीपल, आपको ये नहीं समझ आती कि आपने मतलब कहाँ तक की मार्जिन जो है, अगर आपको कहा जाता है कि जी ये शूट है, ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें हैं, तो कहाँ तक चीज़ें एक्सेप्टेबल है। अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हरासमेंट की, सो और चीज़ों की, और सीधी बात है व्यूअर्स, जब शुरू में मैंने भी इंडस्ट्री में कदम रखा, इन लोगों ने भी रखा, तो उस वक्त ये वाले हालात नहीं थे। बहुत से ऐसे मामलात होते थे जो बहुत नेगेटिव होते थे, और जब मुझे किसी ने कहा कि जी अब मॉडलिंग है और आप इसकी शूट करानी है, और मुझे याद है कि सबसे पहली मेरी शूट थी मारिया बी के साथ शूट थी, और मेरी उस वक्त इस पर्सनैलिटी से, इनकी वाइफ से उस दिन नहीं मुलाकात हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी, और लिटरली डे वन से मैंने कहा जी मैं आपको क्या बुलाऊं, तो ही सेड यू कैन कॉल मी रिजवान भाई, तो मैंने कहा ओके। पहली दफ़ा इंडस्ट्री में किसी ने कहा कि जी आप मुझे भाई बुला सकती हैं, और लिटरली इंडस्ट्री की सारी खवातीन और मर्द इनको भाई ही बुलाते हैं, क्योंकि लिटरली भाइयों से बढ़ के ये सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत देते हैं, रिगार्ड देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यूअर्स जीरो से अपने आप को इस लेवल पे ये खुद लेके आए हैं। सपोर्ट माँ बाप की इमोशनल ज़रूर थी, लेकिन ऑन अ फाइनेंशियल लेवल एक एक चीज़ अपने हाथों से की, अपना घर खुद बनाया, सारी चीज़ें इन्होंने खुद की। तो जब हम सक्सेस स्टोरीज़ की बात करते हैं तो विद इन द इंडस्ट्री हम उन लोगों को देख के बड़ा इंप्रेस होते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन उस सक्सेस स्टोरी बनने में एक जर्नी होती है। आज इस बहुत ही अमेजिंग कपल की जर्नी भी डिस्कस करेंगे, और मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री के बहुत से साथी इस वक्त शो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सपोर्ट इन्होंने इतनी की है, इंटरव्यूज़ कम ही देते हैं लेकिन मिनते तरले करके बुला ही लिया इनको मैंने, वो भी भाभी के थ्रू। तो आइए मुलाकात करते हैं दीवी से, रिजवान बेग एंड मुनज़्ज़ा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपकी तारीफ तो कर दी, आप ये भी बता दूं कि आप करते क्या हैं, क्योंकि तस्वीरें आपकी सब देखते रहते हैं, आपकी अपनी तस्वीरें कम ही आप लोग लगाते हैं। सो ब्रिलियंट फैशन फोटोग्राफर एंड मेकअप आर्टिस्ट ड्यू, दे आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट, मतलब वन स्टॉप शॉप। आपने शूट करानी है, आपने इनको कॉल कर दिया, उसके बाद आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, एंड ऑफकोर्स दे आर बोथ क्रिएटिव डायरेक्टर्स इन देयर ओन राइट। सो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप दोनों ने ग्रेजुएशन जो है वो की ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, राइट? दोनों ने जी, कहाँ से की, क्या स्टोरी? शुरू आपसे करते हैं क्योंकि इनसे शुरू की बात तो फिर आपसे बात कम होगी हमारी। NCA से ग्रेजुएट किया हम दोनों ने, ग्राफिक्स इनिशियली माय सब्जेक्ट वाज आर्किटेक्चर, बट आई लेटर स्विच टू ग्राफिक्स, हिज सब्जेक्ट वाज फाइन आर्ट्स इनिशियली, बट ही स्विच टू ग्राफिक डिज़ाइन, सो वी बोथ एंडेड अप इन ग्राफिक डिज़ाइन। तो कैनवस को पेंट करने के बजाय आप लोगों ने लोगों के मुंह पेंट करके उनकी तस्वीरें खींचने का फैसला किया, बेसिकली बस यही समझ ले। अच्छा, फिर रिजवान भाई आप लोगों का साथ बहुत पुराना है इस लिहाज से कि कॉलेज के ज़माने में मुलाकात कहाँ पे पहली दफ़ा हुई? हमारी मुलाकात हुई थी सईद सर नईम के स्टूडियो में, सर आसिफ और सर नईम का स्टूडियो था, और वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी, और वहीं पर ड्राॅइंग वगैरह करते थे। उसके बाद फिर हम NCA में जब गए तो फिर उनके जो स्टूडेंट्स थे हम सारे इकट्ठे ही बैठ गए, फूलिंग बहुत ज़्यादा होती थी, पानी फेंकते थे, सर्दियाँ थी, तो मैं, ये मेरा दोस्त आसिफ, फरिया, और हम चार पांच लोग जो सर नईम के स्टूडियो के थे वो इकट्ठे ही रहते थे। तो फिर वहीं से फिर हमारी, क्योंकि ज़ाहिर जान पहचान थी, सब एक दूसरे को जानते थे, वहीं पर ड्राॅइंग करते थे, तो हमारे जो फर्स्ट ईयर था NCA का उसी दौर में रिगिंग ख़त्म हुई थी, वो लास्ट थी, इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद उन्होंने इट एंडेड। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। या हाँ, क्योंकि वो भी एक हैरेसमेंट के जुमरे में आ जाता है। या इट वाज टू मच, एंड द फैक्ट इज हमेशा कीमा उसी का निकलता है जो बेचारा चुप होता है या हाँ, सो देन शादी की तरफ बात कैसे आई? मैंने कहा पहले जरा हम ये वाली कनेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद फिर काम की तरफ आएंगे हम। फर्स्ट ईयर से ही मुझे अच्छी लगी थी ये, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही घर में कह दिया था कि मैंने इसे शादी करनी है, ज़्यादा जल्दी थी ना। अच्छा। तो हमने मतलब
बात कर ली थी, उन्होंने कहा था कि आप पहले पढ़ लें, इसके घर वालों ने कहा था पहले आप पढ़ लें उसके बाद फिर. तो फर्स्ट ईयर से ही शी वाज द वन. आपकी राय कुछ और थी? नहीं नहीं, ऑब्वियसली, बट आई वॉज वेरी ओपन विद माई पेरेंट्स इज़ वेल. तो बट मेरी अम्मी का हमेशा से बस ये था कि बेटे जो भी, जिसको भी तुम पसंद करो, जिससे भी शादी करो, मुझे एतराज़ नहीं होगा, बट सोच समझ के कि सेल्फ मेड होना चाहिए. एक इंसान जो सेल्फ मेड होगा उसको हमेशा वो कदरदान होगा. और बहुत जागीरदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट से बच के अपने तबके के लिहाज से. तो ये हमारे तबके तो नहीं है, माशाल्लाह वेल ऑफ थे, बट इसके घर वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बिल्कुल एतराज़ नहीं किया. वंडरफुल पीपल. शहर में कृष्ण नगर में रहता था मैं, ये मॉडल टाउन में रहते थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी एक दफ़ा भी एतराज़ नहीं किया इस चीज़ पे कि ये मतलब डिफरेंस है स्टेटस का. हाँ, मेरे अम्मी अबू ने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरे हर डिसीजन में. देखो वही वाली बात है ना, देखें आपको नाम लेते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था. हमेशा आपको हमेशा से ही भाभी बुलाया, प्लीज़ व्यूअर्स मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आई कांट टेक हर नेम. क्योंकि एक एक बात बताऊँ, शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनकी हम सारे ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आपने वो कमांड किया रिस्पेक्ट अपने बिहेवियर और अपने कॉन्डक्ट से. एंड छोटी सी उम्र पे ही हम सबकी मामा बनने की कोशिश करती थी और अभी भी करती है. और अक्सर मुझे जो है ना एक मैसेज आ जाता है डांट का, सवाल का, और उसके साथ फिर एक डांट का. और इनकी डांट मीठी लगती है, आपकी डांट बहुत बुरी लगती है, आप प्लीज मत डांटा. और एक दफा ये नाराज हुए थे तो मैंने आपको फोन कर दिया, लड़े नाराज हो गए, प्लीज उन्हें कहा मैंने सॉरी. अच्छा मैं आपको फिर ऑनर भी सॉरी कह रही हूँ, फिर भी नाराज होना मेरे से. पता है कुछ लोग होते हैं जो इतने प्यारे लोग होते हैं कि उनकी नाराजगी आप नहीं हजम कर पाते. अच्छा मुझे ये बताइए कि बट मेन चीज आपके पेरेंट्स की ऑफकोर्स यही थी कि भाई अपनी बाउंड्रीज और अपनी रिस्पेक्ट के एलिमेंट. एग्जैक्टली. तो व्यूअर्स, मर्जी की शादी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि आप अपनी फैमिलीज को ऑन बोर्ड रखें और फिर राइट टाइम पे डिसीजन लें. अच्छा फिर ग्रेजुएट किया तो उसके बाद शादी हुई? ग्रेजुएट करने के 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि मैं चाहता था कि एस्टैब्लिश हो जाऊं, थोड़ा सा कुछ कर लूं, क्योंकि कुछ भी नहीं था. बट ग्रेजुएट करके क्या करना चाह रहे थे आप? थर्ड ईयर में डिसाइड कर लिया था फोटोग्राफी करनी है. जब मैं थर्ड ईयर में हमने माइनर सब्जेक्ट लिया ना फोटोग्राफी, और जब मैंने फोटोग्राफी की तो मैंने मुनज़ा से कहा मैंने यही करनी है. तब फोटोग्राफर आई थिंक 2-3 ही होते थे और बहुत और बड़े जिन थे. हाँ, और मार्जिन नहीं मिलती थी, एंटर बिल्कुल नहीं मिलती थी. तो सब यही, तभी हमें जब काम भी शुरू किया तभी यही पूछते थे लोग कि अच्छा फोटोग्राफी तो करते हैं और क्या करते हैं. अब तो एक प्रोफेशन है ना, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था. लोग कहते अच्छा ये तो करते हैं और क्या करते हैं, मतलब घर कैसे चलता है. वही जो शेफ्स के साथ भी बेचारों के साथ करते थे, हांडी रोटी तो पका दे, करते की हो गए. इस मामले में मैं कहती हूँ कि माय पेरेंट्स एंड हिज पेरेंट्स, दे वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव. मेरे ख्याल है उस दौर में आज से 20 साल पहले इस डिसीजन को मतलब बैक करना बहुत मुश्किल था. लेकिन जब इन्होंने आपको पहले कहा कि मैं फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ, तो व्हाट वाज योर नेचुरल रिस्पांस? आई वाज लाइक आर यू क्रेजी? मेरे ख्याल ये किस तरह, मतलब कैसे, हाउ विल यू सपोर्ट, हाउ विल यू अर्न मनी? इज लाइक कि नहीं कर लेंगे, इंशाल्लाह देखना हो जाएगा, मुझे बिलीफ है कि आई कैन डू वेल. सोचे ना, मतलब पूरे पाकिस्तान में 3 फोटोग्राफर हो और आप कह रहे हो मैंने चौथा बनना है, तो वो मुश्किल होता है ना. प्रोफेशन ही नहीं है ना, कोई ज़हन में नहीं आता किसी के. बिल्कुल, क्योंकि वो भी सिर्फ फोटोग्राफर्स नहीं थे, वो फोटोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, एक वन स्टॉप शॉप थी. बिल्कुल, वो भी जिन तीनों चारों का हम सोच, तीन लोगों की हम बात कर रहे हैं, वो तीनों के तीनों जो है उनकी, उनका ही होल्ड था. बिल्कुल, और वो सारी चीजें उधर ही होती थी. हाँ, तो ये नहीं हो सकता था कि आप सिर्फ फोटोग्राफर. तो फिर मेकअप की तरफ आप किस तरह? आई वॉज इंटू मेकअप शुरू से, बचपन से, जैसे समझ लेना कि क्योंकि मेरी ड्रॉइंग अच्छी थी. अच्छा, अपने मुंह पे कभी नहीं मेकअप लगाती? कोई इनको लगा, इनका मेरा एक ही प्रॉब्लम, कहते जितना मर्जी किसी और के मुंह पे लेप दो, हमारे मुंह पे ना लगाना. हाँ बिल्कुल, बस यही मसला है. अपने पे कभी अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे जहर लगता है अपने ऊपर मेकअप. इतनी हसीन लड़की जब ऐसी बातें करती है, समझ नहीं आती. नहीं, बस शुरू से शौक था, कजन्स का करती थी, बहनों का करती थी, बस वो करते करते एक चीज़ तो थी, एस्थेटिकली आई वाज साउंड. बाकी ट्रेनिंग मैंने एज सच फॉर्मल ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली मेकअप की, बट आई वाज गुड एट ड्रॉइंग एंड एस्थेटिकली साउंड एंड यू नो इट जस्ट हैपेंड. इट जस्ट हैपेंड. या तो देन शुरू कैसे किया, क्योंकि आप कह रहे हैं ग्रेजुएशन के 2.5-3 साल के बाद, तो 2.5-3 साल क्या किया? हम एक्चुअली जब मैं थर्ड ईयर में था ना, तो मैंने वहीं पे पढ़ाना भी शुरू कर दिया. एनसीए में वर्कशॉप्स छुट्टियों में मैं करवाता था थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को, उसी ज़माने में. फिर मैंने फोर्थ ईयर में जब पढ़ाना शुरू किया ना, मैं एनसीए में पढ़ाया भी मैंने पास आउट होते, तो वहाँ पर एक लड़की थी फरिया, जो अली अजमत की वाइफ है. हाँ जी, मेरी स्टूडेंट थी वो. उसने मुझे कहा कि रिजवान साहब आपसे मदिया मिलना चाहती हैं, मदिया का स्टूडियो बना रही हैं, तो वो चाहती हैं कि वहाँ पे कोई स्टूडियो बना लें.
तो मेरे जहन में आया मदिया कोई आंटी होगी, उसके जहन में आया कि मैं कोई अंकल होंगे टीचर है। तो हम जब उससे मिले तो वहाँ से हमने ब्राइडल फोटोग्राफी शुरू की, बड़े छोटे साइज में वहीं पर स्टूडियो बना लिया मदिया के साथ, अभी भी बिल्कुल फैमिली की तरह है वो। तो हमने वहाँ से काम शुरू किया, वहाँ से हम पैसे कमाते थे, साथ हम फैशन भी करते थे। फैशन में ऑब्वियसली नहीं होता उस वक्त, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। Exactly. तो फिर वो करते करते दोनों चीज़ें बैलेंस आउट करते करते हम एकदम एक ब्रेक मिला हमें लिबास के कवर से। तब तो मैगजीन होते थे, कवर्स होते थे, तो हमें ब्रेक मिला लिबास के कवर से, नेहा मॉडल थी, तो वहाँ से हम एंटर हुए और उसके बाद फिर ना कोई ना रोक सका हमें वहाँ से। माशाल्लाह। अब देखिए, मदिया के स्टूडियो में आपकी मार्जिन तो नहीं बनती थी, क्योंकि मदिया खुद एक मेकअप आर्टिस्ट है, फोटोग्राफी करती थी ना साथ में। ये सब कुछ कर लेती है, इसने फोटोग्राफी मेरी छोटी बेटी के बाद छोड़ी है, अदरवाइज ये फोटोग्राफी मेरे साथ जी मुझे याद है, मेरी अच्छी वाली तस्वीरें यही खींचती थी, बिल्कुल खींचती थी, सिर्फ मेरी अच्छी वाली यही। दो सेट्स के होते थे तस्वीरों के, मुझे साफ पता चल जाता था कि इन्होंने कौन सी खींची, क्योंकि और ये जान के ऐसी खींचते थे जिसमें मैं पूरा का पूरा डब्बा लग रही होती थी, और फिर उसको ना एडिट करके कहते थे कि देखो ये मैं तुम्हें ठीक किया है, और फिर बिफोर आफ्टर की भेजते थे, व्यूअर्स मेरी मत मार देते थे। ये अभी भी इनके पास एक पूरी फोल्डर है, कभी किसी ने इनका फोन चोरी किया ना तो वो फोल्डर जरूर निकाल के रिलीज कीजिएगा, जिसमें पहले मैं क्या लग रही थी तस्वीर में और फिर उन्होंने मुझे ठीक कैसे सब की है, तुम्हारी नहीं सब की है। नहीं, वो फिर फोल्डर ना रिलीज कीजिएगा। सो अब ये वाली पिक्चर जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हमारी इट्स अ मोर रिसेंट शूट, ये जब मेरा थोड़ा वजूद कम हो गया था, जब मेरा वजूद ज्यादा था तो रिजवान भाई सही। एंड बाय द वे, मेरी फिटनेस का भी राज अगर मैं कहूँ तो काफ़ी हद तक ये लोग हैं, बिकॉज रिजवान भाई कहते थे कि जुगन तस्वीरों में मैं तुम्हें एडिट तो कर देता हूँ, लेकिन एडिट में वो वाली बात नहीं आती है जो तुम चाह रही हो। क्योंकि ये देखें अब व्यूअर्स, ये मेरी बेबी के बिल्कुल बाद की तस्वीर है, ये नूर बानो के पैदा होने की बाद की तस्वीर है, राइट। हमने एक और ब्रांड की भी शूट की थी, मुझे याद है व्यूअर्स, मेरा इतना ज़्यादा वेट है, मैं इससे कोई 30 किलो ज़्यादा थी। रिजवान भाई ने कहा डजंट मैटर, मैनेज कर लेंगे, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, हो जाता है। और आपने उसको किया, और आपने एट द सेम टाइम यू लेट मी लुक लाइक माइसेल्फ, तो यू टोल्ड मी कि जुगन एक्सरसाइज करोगी, अपने आप को फिट रखोगे, तो तुम्हें कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पतला मोटा ये वो। सो वही चीज़ है ना कि एक फैमिली के तौर पे अगर आप, अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ आज आपके साथ शेयर करती हूँ। जब पहली दफ़ा मैं आपके पास आई थी मेकअप कराने के लिए, शूट के लिए, आपको याद होगा आपके घर आई थी, तो वो पीछे एक होता था रूम वहाँ पे, अच्छा आई रिमेम्बर, मैं जब पहली दफ़ा एंटर हुई ना, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ना ये एक गोरी चिट्टी खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। मेरा तो त्राई निकल गया, मैंने कहा एक मिनट, ये तो शूट सिर्फ मेरी थी, तो ए दूजी मॉडल कितों आ गई, अच्छा उत्तो मेरे तो ज्यादा प्यारी, मैं इतनी इनसिक्योर हुई, वो तो शुक्र है कि रिजवान भाई एंटर करते, ओ दिस इज माय वाइफ मुनज़्ज़ा, मैं कहा हाय शुक्र है। फिर मैंने बातों बातों में समझ आ गई कि मेरी शूट है और ये मेकअप करने लगी है। ज्वेलरी का शूट था, ज्वेलरी का शूट था, ऑब्वियसली यार बंदा जाता है सोच के कि आई एम दी ओनली मॉडल, लगो मॉडल तेरे सामने खड़ी हो तो बंदा परेशान। तो ये कभी इस तरफ नहीं सोचा आपने आने का? नहीं बिल्कुल, आई एम कंप्लीटली इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं तो कैमरा शाय भी बहुत ज्यादा हूँ। ये ऐसे हो नहीं सकता, हाँ, ना मैंने एक कपल की सक्सेस स्टोरी बतानी है और मैंने अपने व्यूअर्स को इंस्पायर करना है कि दो लोग साथ मिलके एक कॉमराडरी के साथ अपनी एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मुझे शायद सोशली मैं इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, तो हमारे काम में भी जैसे तुम्हें पता ही है आप लोग पार्टीज नहीं करते हैं और शोज में भी जाना कहीं भी, तो मैं अवॉइड करती थी हमेशा से, आई एम जस्ट नॉट, मुझे होता था मैं रिजवान को हमेशा कहती थी, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सफोकेशन हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है मेरी, तो यू गो हेड आई विल स्टे बैक। अच्छा अब वापस चलते हैं टूवर्ड्स, आपने अपना ब्राइडल मेकअप करना शुरू किया, फोटोग्राफी ब्रेक मिल गई थी लिबास, हाँ ब्राइडल शूट्स करते थे, मेकअप नहीं करती थी, मैंने मेकअप सिर्फ मुनज़्ज़ा हमारे शूट्स का करती थी, वहाँ पे हम दोनों जाके ब्राइडल शूट्स करते थे, ठीक है। और फिर हमने हमारी हमें ब्रेक मिली थ्रू द कवर ऑफ अ वेरी बिग मैगजीन लिबास की, वहाँ पे आपने मेकअप किया था जी। अच्छा वहाँ से फिर जर्नी कहाँ पे गई, क्योंकि देखें जगह उस वक्त भी नहीं मिली आपको, मैं बड़े रिस्पेक्ट और बड़े अदब के साथ, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं जो पहले होते थे और अब उनको भी हम शो पे अक्सर बुलाते हैं, लेकिन आपको टाइम लगा ब्रेक करने के अंदर, शॉर्ट टाइम में किया कंपेयर टू अदर पीपल, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम, लेकिन काम आपने बहुत कर लिया था जब आपको ब्रेक मिली। बिल्कुल आप समझ रहे, हमारा किस्मत कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे थे, हमें उससे ब्रेक मिला, उसके बाद 2-3 शूट्स और हैं, और वो लिबास का कवर कोई और नहीं करता था, वो सिर्फ जो बड़े फोटोग्राफर थे वही करते हैं, उसके बाद हमने लगातार करने शुरू किए हैं, और फिर लोगों को हुआ पहला कवर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चला हमने किया था, क्योंकि वो नेहा थी, नेहा इंडियन लग रही थी, लोगों को लगा इंडिया से कवर, इंडिया से क्योंकि इंडिया से करवाते थे वो,
नेक्स्ट फिर एक और आमना शफात का आया, उसके बाद फिर एक और आया, तो उसके बाद हमें आमना शफात भी, जो आमना शफात के बारे में आपको ये बताऊंगी व्यूअर्स कि वो मॉडल ज़रूर थी लेकिन उनके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि मैं स्लीवलेस yes. नहीं पहनूंगी, मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं पेट नंगा नहीं दिखाऊंगी, बहुत से उनके इस किस्म के, बहुत अच्छी बात है एंड एज अ मॉडल शी डिड वेरी वेल उन्हीं हदूद के अंदर, और वो सबसे ज्यादा आप लोगों के साथ काम करना प्रेफर करती थी क्योंकि आप लोग कभी भी ये डिमांड नहीं करते थे कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर का काम करें। तो वो उसके बाद फिर वो उन्हीं दो साल लगे थे उसके अंदर ही हमें मैगजीन में, क्योंकि होता यही था कि आपने शी में प्रिंट हो गए, वेमेन जोन में प्रिंट हो गए, फिर हम प्रिंट होते गए, फिर हमारे इंटरव्यूज़ आने शुरू हो गए, फिर आहिस्ता क्योंकि टाइम लगता था ना, इंस्टाग्राम था, शूट हम करते थे 2 महीने के बाद आता था, कभी 3 महीने के बाद आता था, तो वो हमें वेट करना पड़ता था कि शूट आएगा, तो कई दफ़ा हम खुद भी भूल जाते थे। और फिर 4-5 साल के बाद एक वक्त आया, मुझे याद है मैं कराची जाता था तो जितने रैक पे मैगजीन लगे होते थे 99% कवर्स हमारे होते थे, मुनज़ा के मेकअप हमारे कवर, मतलब वो अमेजिंग टाइम था वो एक, और वो मगर हमें ब्रेक बहुत जल्दी मिली, अल्लाह की पुश्ती, हमारी माँ बाप की दुआएं थी। ये देखे ना व्यूअर्स आप इनकी अब पिक्चर्स। अच्छा, एक से दूसरी शूट को मुख्तलिफ इंसान कैसे लगाता है, मुझे ये चीज़ हमेशा बहुत फैसिनेटिंग लगती है, मतलब आप देखे ना कि एक से दूसरी शूट जो है वो आई मीन द मेकअप इज कम्प्लीटली डिफरेंट, द लुक इज कम्प्लीटली डिफरेंट, द कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, तो इस पे कौन वर्किंग करता है आप दोनों? पहले तो यही करती थी, हम दोनों मिलके करते थे, ये बताती थी कैसे कर लेते हैं, ये सेट लगा लेते, क्योंकि आप वन स्टॉप शॉप थे, बिल्कुल अभी भी हैं, अभी भी हैं, बट अब जमाना इतना चेंज हो गया, अब स्टाइलिस्ट अलग हैं, जो सेट डिजाइनर अलग हैं, आर्ट डायरेक्टर अलग है, एक्चुअली इट्स बिकम क्वाइट इजी, अब बहुत आसान हो गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व, बहुत बड़ी ब्रांड्स कंपनीज कमर्शियली इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि बहुत डाइवर्सिफाई भी हो गया है, फोटोग्राफर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, आर्ट डायरेक्शन अलग है, सेट डायरेक्टर अलग है, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, मेकअप आर्टिस्ट अलग है, इससे ज्यादा खप नहीं हो गई, फोटोग्राफर के पर बर्डन कम हो गया। नहीं पर देखिए ना रिजवान भाई, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सेट पे जब दो लोग होते थे और एक तीसरा कोई असिस्टेंट होता था तो बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता था काम करने का, अब तो ऐसे लगता है कि जो बंदा शूट कर रहा है, शूट हो रही है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे उसको आपने डाला हुआ है और वो बंदा इसके बाद मैं जाऊंगा वहाँ पे, सेट लगा होगा, मॉडल रेडी होगी, स्टाइलिस्ट उसको कपड़े पहना के तैयार करके मेरे सामने ला खड़ा कर देगा, मैंने स्पॉट देखना बस, मैंने कहाँ शूट करना, मैंने लाइट देखनी क्या करना, मेरा काम खत्म, अदरवाइज याद है ना कि सेट भी हो रहा है, इधर से मैं एक शूट एक दिन में होती थी या मैक्सिमम दो होती थी, एक पूरा हाफ सुबह का निकल जाता था एक शूट में, सेकंड हाफ निकल जाता, अब तो शूट भी 1.5-2 घंटे में हो जाती है अगर करोड़ चीजें ना हो। शूट हमारी वैसे स्पीड तेज थी, हम कोशिश मेरी तब भी यही होती थी एक शूट एक दिन में, चाहे वो आधे दिन में खत्म हो जाए चाहे 2 घंटे में खत्म है, दो बहुत कम करते, बहुत कम किए हमने, मेरा ख्याल है हमें 24 साल हो गए, 10-12 शूट किए होंगे जो डबल किए होंगे, अदरवाइज नहीं करते, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में जो काम किया ना चाहे वो फेल हुआ या काम हुआ, मैं कामयाब हुआ, मैं हर बार इन्हीं के पास गई, हमें शूट कर दे, मुझे नहीं समझ आ रही क्या करना है, और सारा आप लोग ही डिजाइन करते थे? हाँ सब कुछ हमेशा से। सो एज अ कपल अब ये जानना भी बहुत जरूरी है, देन आपका बेटा भी है माशाल्लाह, बेटी भी है, सो द फैक्ट इज दैट ये सब चीज़ें फिर साथ कैसे लेके चले, क्योंकि बहुत से लोग इस फील्ड में उस वक्त के जो ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट थे, आपने नोटिस किया कि ना उनकी शादियाँ हुई थी, मतलब जो फोटोग्राफर मेकअप आर्टिस्ट जो होती थी टीम, और वो यूजुअली सेटल्ड मतलब एक मैरिड लाइफ को नहीं प्रेफर करते थे, वो कहते थे कि भाई हम काम पे तवज्जो दे रहे हैं, और फिर बहुत से लोगों का टाइम भी ऐसा निकल गया कि उन्होंने कहा कि अब करने का क्या फ़ायदा। सो इसका मैं जवाब देता हूँ, ये सारा कुछ जिसने किया, घर से हमारे, हमने कभी कोई हेल्प नहीं रखी, हाउस हेल्प बच्चों के लिए भी, तो वैसे हाउस हेल्प होती थी, बट खाना भी यही बनाती थी, बनाती है अभी भी बनाती है, अभी आज बना के आई पता कि नहीं और बाकी सारे मेरे माँ बाप होते थे अल्लाह बख्शे, तो वो उनका ख्याल रखना सारा कुछ इसी ने किया, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ही रहे, मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बच्चे के लिए, उस वक्त तो बेटा ही था मेरा ज़्यादा जब हमने काम किया है, इसकी फैमिली की, नॉट जस्ट हिज पेरेंट्स, इसके बहन भाइयों की, सबकी बहुत सपोर्ट, इमेंस सपोर्ट, मेरे साथ तो मेरी भी बड़ी दोस्ती है, एज मच एज इट ड्राइव्स मी मैड, तो ये आपकी फैमिली की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, आपको फैमिली सपोर्ट होती है तो आप काम कर सकते हैं। बट आप देखें, इंसान खुद कितना भी खूबसूरत हो, एट द एंड ऑफ द डे जब, और आप कितने भी सिक्योर हो इन योर ओन राइट, शोहर जब सीरियस कंटिन्यूसली मॉडल्स, और देखें कि वक्त भी ऐसा था कि अनफॉर्चुनेटली
ग्रुप्स बन जाते थे, ग्रुप बन जाते थे, और ऐसा भी होता था कि हर फोटोग्राफर की कोई फेवरेट्स भी होती थी और उनकी दोस्ती कभी कभी ज़रा ज़्यादा ही होती थी। तो आपको कभी ये इनसिक्योरिटी नहीं हुई जब काम कर रहे थे? जब मैं जवान था सबसे पहले ट्रस्ट तो होता ही है, किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट के बगैर नहीं चलती। हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा कम है जो कामयाब रही है। वी आर वी वर ऑलवेज वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, आई वुड से ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। हाय हाय, आपकी चॉइस ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स भी बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है मुझे कभी ट्रस्ट इश्यूज हुए नहीं, ऑनेस्टली कभी भी नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है। यही वजह है कामयाबी की, अगर इसको ट्रस्ट इशू होते रहते तो काम हम ये काम इस फील्ड में नहीं सर्वाइव कर सकते थे। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चे कितने इफेक्ट हुए इस लाइफस्टाइल से? क्योंकि देखिए आपका एक तरह से मलंगों वाला लाइफस्टाइल राइट, जहाँ पे आपने ग्राउंडेड रखने की बड़ी कोशिश की, बट स्टिल कभी आप लोग बैंकॉक गए हुए हैं, कभी आप कहीं गए हुए हैं, पूरी दुनिया में माशाल्लाह आप लोगों ने शूट्स किए हैं, आपका प्रॉपर सेटअप भी है, बैंकॉक में था भी और फिर अभी भी कंटिन्यू। सो आपका तो एक पूरा एक जिन वाला काम था ना, और बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका बड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है, और आपके बच्चे माशाल्लाह बहुत ही बाअदब, रिस्पेक्टफुल, वंडरफुल। आपका बेटा तो माशाल्लाह माशाल्लाह ही अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इज़ अ प्रिंस। मैं तो कहती हूँ हमारा शहजादा है हमारी इंडस्ट्री का, और अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बट ब्रेक के बाद बच्चे कितने को इफेक्ट हुए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब दोनों माँ बाप काम करते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। रिजवान हमारे साथ हैं, मुनज़्ज़ा हमारे साथ हैं, एंड उनके बच्चे जो इनके पास होते हैं उनके बारे में अब जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि सक्सेसफुल कपल्स या जिनको पावर कपल्स हम कहते हैं, जो दोनों काम कर रहे होते हैं और एक सक्सेस स्टोरी होते हैं, जो माशाल्लाह आप दोनों हैं इन योर ओन राइट ऑल्सो एंड देन एज अ कपल ऑल्सो, बिकॉज आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉलोइंग है एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर, आपकी एक इंडिपेंडेंट फॉलोइंग है एज अ फोटोग्राफर एंड देन एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड देन कलेक्टिवली डीवीज इज अ माशाल्लाह ह्यूज सक्सेस स्टोरी एंड इंडस्ट्री का एक नाम है। बट बच्चे, अमान के बारे में मुझे बताइए, मुझे माहिनूर के बारे में बताइए कि उनके साथ फिर कैसे चीज़ें आप लोग मैनेज करते हैं? आपकी तो भाग दौड़ वाली जिंदगी है। भाग दौड़ बेसिकली इसी की ज़्यादा लगती थी, मगर जितना माएँ होती हैं उसका बाप कभी भी नहीं हो सकता, मुझे ये लगता है। बट मैं कोशिश बहुत करता था, वो 50-60% अमान हमारे साथ चला जाता था शूट के ऊपर, और बाकी जो थी ये सारा कुछ मैनेज यही करती थी, कभी अम्मी अबू के पास, मगर ज्यादातर वो हमारे साथ ही शूट्स पे होता था जब वो इवन छोटा था एज अ बेबी। तो वो इतना कोई चिल्ड आउट रिलैक्स्ड बच्चा था कि उसका होना ना होना पता ही नहीं चलता था। हां, तंग नहीं करता था। माहिनूर अलबत्ता एक तूफान है। वो एक हां जी, वो और बड़ी बानो कुछ मेरे ख्याल से जो नूर की एलिमेंट हमने दोनों के नामों में डाली है ना, ये अभी थोड़ी हां, हालांकि ये भी मुनज़्ज़ा नूर ही थी बट ये फर्क थी। हां, बट क्योंकि बुलाया हमेशा मुनज़्ज़ा है ना इनको, वो भी हमारी नूर है और हमारी नूर है, तो दोनों ही नूर नूर। अच्छा, तो ये बताइए कि छोटी के साथ कैसे मैनेज करती है, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ कहानी है, मुश्किल पर्सनैलिटी फर्क है। इट वॉज डिफिकल्ट इनिशियली, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, और मुझे लगा था कि मैं नहीं कर सकूंगी, बट देन ही सपोर्टेड मी, सेड कि नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तुम परेशान जल्दी होगी, वो कुछ नहीं होता, हो जाएगा थोड़ा सा। और एक्चुअली होता ये है कि बच्चे अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, आप जिस तरह उनको ट्रेन करते हैं, आप उनको साथ लेके जाएं, तंगी होती है ऑब्वियसली, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। विद अमान इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, विद हर इट वॉज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, मुश्किल हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, लेकिन आहिस्ता अब वो इस पॉइंट पे है माशाल्लाह, शी सेवन नाउ, अब तो वो मुझे फ़र्क नहीं लगता उन दोनों में, माशाल्लाह बिल्कुल सपोर्टिव है, आराम से सुकून से बैठ जाती है, तंग नहीं करती माशाल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है इसके लिए। तो शी वॉज लाइक यू नो, आई वॉज हैंडलिंग हर कम्प्लीटली ऑन माई ओन। विद अमान आई हैड हिज पेरेंट्स सपोर्ट, मैं अम्मी अबू के पास छोड़ भी जाती थी उसे, तो मुझे मसला नहीं होता था, बट माहिनूर के लिए मुझे बहुत मुश्किल होती थी। अपने उस फेज में थी जब वो तंग करती थी, तब मेरे अब्बू बीमार हो गए थे, देन ही पास अवे, फिर मेरी अम्मी बहुत बीमार हो गई, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। लेकिन जहां आपकी सपोर्ट
नज़ जी, बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज ने की और आपने इनकी बहुत सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट किसने की? देखिए, आप सारा क्रेडिट यहाँ पे दे रहे हैं, बट यू नीड टू टेक सम क्रेडिट योरसेल्फ आल्सो, क्योंकि आपने भी बहुत स्ट्रगल किया है। और मुझे पता है कि जब आपको 10-10 दिन के लिए दूर फैमिली से जाना पड़ता था तो आपका क्या हाल होता था, आप कितने डिस्टर्ब होते थे मेंटली? बहुत बहुत मुश्किल था। इसके अम्मी, अब हमारा जो पहला स्टूडियो बनाया था वो इसके अब्बू ने ही हमारे इसके घर में पिछली साइड पे एक कमरा बनाया था, वो पहला स्टूडियो था हमारा, वहीं से हमने काम शुरू किया था शादी से पहले था। पहले हम वहीं काम करते रहे, उसके बाद फिर जब मैं कृष्ण नगर से इधर शिफ्ट हुआ हूँ मॉडल टाउन में, तो मैंने रेंट पे घर लिया था, फिर हमने वहाँ स्टूडियो प्रॉपर बनाया था। इसके अम्मी अबू ने बहुत सपोर्ट की है, मतलब उन दोनों की सपोर्ट के बगैर ना मेरे ना इनके कुछ भी नहीं हो सकता था, लिटरली। बिल्कुल, और वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स उन लोगों को याद रखना जो साथ लेके चलते हैं। और जब मैं अक्सर कहती हूँ आपको टेलीविजन पे, हम ये बात करते हैं कि शादियाँ हमारे यहाँ फैमिलीज के बीच में होती हैं। बिल्कुल। सो जब डिसीजन शादी का लें तो सोच समझ के। बिल्कुल बिल्कुल। और शादियां फिर घर वाले ही चलवाते हैं, जब कभी ऊंच नीच का वक्त आता है तो घर के बड़े ही इन्वॉल्व होकर मामले रिजॉल्व कराते हैं और चीजों को फिर आगे पॉजिटिविटी की तरफ ले। सबर सब में चाहिए होता है, जो हमारे में अब खत्म हो गया है लिटरली, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। मैं तो लिटरली, मुझे तो ऐसा लगता है कि माय मदर इज अ वेरी वाइज वुमन, और ऑब्वियसली हर एक को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अम्मी बहुत समझदार हैं, उन्होंने मुझे हमेशा ज़िंदगी में बहुत समझदारी के मशवरे दिए हैं। और अभी भी अगर मुझे कुछ कंसल्ट करना होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे सही ओपिनियन देंगी। और वही चीज़ है ना कि माँ का रोल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लड़के की साइड पे भी और लड़की की साइड पे भी। अगर माँ पुठी मत दे और हाँ, कहे तू तुन के रख, उन्हें सीधा करके रख, उन्हें एक करके रख, तो बेटी कहेगी कि यार अम्मी का एक्सपीरियंस है, सही कह रही है, आगे घर में दंगे फसाद चपेड़े चल रही है, समझ नहीं आ रही है वो क्या रहा है। बहुत फर्क पड़ता है, सीरियसली बहुत। मेरे घर वालों को जितना इसने जोड़ के रखा है ना, वो शायद किसी ने भी नहीं रखा। अभी भी दावतें करती रहती है, और वो भी इसकी अम्मी का होता है कि बुलाया करो सबको, मिला करो, नहीं तो कहाँ कहते हैं लोग, कहते हैं ना मिलो भाई, रहना भाई परे रखो, वो इनहेरिटेंस आधार इस किस्म की और नॉनसेंस भी तो शुरू हो जाती है ना। अच्छा, अब ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है, आपको क्या नया जोश चढ़ा जी? एक मिनट, आप साथ में क्या कर रहे हैं उसमें बाद में बात करूंगी, अभी आपने भाभी नहीं बोलना बीच में, मैं जरा इनको ठीक करूं। अब आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी है? मैं यूट्यूबर बन गया। नहीं, अब यूट्यूबर कैसे बन गए हैं आप? मेरी कितनी बेइज्जती करते थे। हाँ, मुझे मैं अभी उसमें तू होस्ट है, अगर होस्ट है तो अब आया मजा। अब मैं सबको कहता हूँ लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं पहले नहीं बोलता था, बट मुझे बोलना पड़ रहा है। मुझे बताइए ये कैसे हुआ यार? मुझे बड़े अरसे से शौक था, मैं बहुत मजे की आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। बाय द वे, मैंने आपको पहले तो डांटना था, क्योंकि आपने मुझे भी डांटा था कि ये होस्टिंग ना कर, तेरे तो मुंह से पता नहीं क्या निकलता रहता है। आप फिर भी ठीक है इस मामले में, लेकिन व्हाट अ इट्स वंडरफुल। मुझे लिटरली आप जैसे आपने बैंकॉक की जो चीजें आजकल अपलोड कर रहे हैं व्यूअर्स, एक्चुअली इस वजह से मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा भैया है तुसी किस काम लग गए हो मेरी बिस्तियां करके, तो उधर से बात शुरू हुई, तो सेड यार ये इंटरेस्टिंग काम है, सो ये क्या है काम? यार अभी जो जैसे मैंने चैनल बनाया अपना रिजवान बेग डीवीज के नाम से बनाया, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ ट्रैवल नहीं रखूंगा, उसमें इंशाल्लाह मैं शूट्स भी डाला करूंगा, उसमें हो सकता है कोई मैं अच्छी बात करके भी डाल दूं, हो सकता है कोई सियासत पे भी शायद कर। हम सबको जो आप लेक्चर्स देते रहे कि अपनी कोई प्रॉपर्टी बना लो, अपना घर बना लो, घर बनाए तो इस किस्म के मशवरे दे ना ऑनलाइन। हाँ, exactly. आपने इंडस्ट्री की कितनी खवातीन की जिंदगियां बदली हैं हमें मशवरे दे के। मैंने पहला घर जब जमीन ली थी तो भाभी याद है मैंने आपको कॉल की थी कि इन्होंने मुझे कहा कि भाई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मैं पिटती थी। बिकॉज ऑनेस्टली घर की जमीन लेने का क्रेडिट मैं सबसे ज्यादा रिजवान भाई को देती हूँ। मेरे इस भाई ने मुझे ये मशवरा दिया शुरू में ही कि पुत्र वो ना करी जो तेरे से पिछली सारी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने किए, पैसे जमा कर और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके कोई छोटी छोटी प्रॉपर्टीज ले ले, फिर उसको सेल करके बेशक जिधर भी तुमने लेना होगा ले लेना, कंसोलिडेट करो। और आपके उन्हीं मशवरों से हमने एक सोसाइटी में इन्वेस्ट किया, वो सारा कुछ किया, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आज अपना घर है, तो वो एक अच्छे अच्छे मशवरे और पुश की वजह से। एग्जैक्टली यही, इसीलिए मैं हो सकता है उसके ऊपर भी ऐसी चीज़ें डालूं, बट अभी तो मैं उससे, क्योंकि मैं कैमरा शायद काफ़ी ज़्यादा हूँ, अगर खुद सामने कैमरा आ जाए मुझसे बोला नहीं जाता सही, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पहुँच जाऊँगा उस स्टेज पर जब मैं ये भी रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह। सो दिस इज समथिंग दैट यू रिसेंटली डेवलप्ड इन। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल है 3-4 हफ्ते हो गए। बट आइडिया कहाँ से आया? बहुत अरसे आपके आइडिया के पीछे हमेशा कोई होती है। बहुत अरसे से था, बट हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर एक दिन मैंने एक ऐसे ही एक बुरा सा व्लॉग बना के डाल दिया, मैंने कहा शुरू तो करूँ ना, बस एक बार शुरू हो गया तो मैंने फंस गया ना, फिर सारों ने कहा यार अब डालते रहना, तो अब मैं साथ साथ चलता जा रहा हूँ। बहुत अरसे से मेरे दिमाग में था कि मैं रिजवान बेग के नाम से है, डीवीज के नाम से, सो आप जाएंगे तो आप देखेंगे, एंड इंशाल्लाह फॉलो भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट जरूर, मस्ट है। मैं भी थोड़ा सीख गई हूं ना सर आपके साथ रह रहे के। अच्छा, इनकी इस हरकत पे आपकी क्या रिएक्शन थी?
नहीं नहीं मैं तो मुझे होता है कि भाभी सोचते नहीं करो। बोलते याद करें जरा इनका मेरे वाला मसला है फिल्टर का प्रॉब्लम है फिल्टर का प्रॉब्लम है तो आप क्या पहले देखती हैं वीडियो अपलोड करने हाँ हाँ सबसे बड़ी क्रिटिक तो मैं हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस में फैसल पहले कहता है प्लीज सेंड इट टू मी फर्स्ट लेट मी सी देन यू सबसे पहले मैं एडिट कराती हूँ कि ये सही नहीं है ये सही नहीं है यहाँ पर गड़बड़ है तो उसके बाद ही जाती है फिर अप्रूव होती है अच्छा चलो ठीक है यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओ साइबर अप्रूव करती है तो बात होती है अच्छा आप बताएं कि काम क्या हो रहा है आपका ब्राइडल स्टूडियो इज डूइंग वेरी वेल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह उसके बारे में बताइए कि स्टूडियो है किधर स्टूडियो एट आर ओन माय प्लेस और मैं मॉडल टाउन में और इट्स नॉट अ वॉक इन सैलून मैं सिर्फ जैसे ब्राइडल अपॉइंटमेंट के हिसाब से और सबसे बेस्ट चीज़ जो इसकी है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं करता वन ब्राइड डे चाहे तीन आए चाहे पांच आए एक ही करती है वो ये नहीं होता कि सारे टक 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 हो रहा है अकेली मुनज़ा अकेली ब्राइड आराम से पूरा टाइम देती है और इसके पीछे रीजनिंग मैं आपको बता दूँ व्यूअर्स बहुत लोग तंग होते हैं जब उन घर की बच्ची को उन्होंने लेके जाना होता है तैयार करने के लिए वो बच्ची भी खज्जल हो रही होती है क्यों क्योंकि 50 और लड़कियां तैयार हो रही हैं एक अफरा तफरी मची हुई है और एक इंडस्ट्रियल चेन ऐसे भी पार्लर है जहाँ पे आपके ऊपर टैग लगा दिया आपको पिन लगा दी जाती है जिसपे पर्ची होती है और जो जो सर्विस होती जाती है वो टिक की जाती है अल्लाह माफी दे मतलब इंसान है क्या आप हमें मतलब बहुत बंदा असेंबली लाइन में बैठा नहीं क्योंकि मैं अपनी किसी एक रिलेटिव की बेटी उन्होंने कहा यार जुगन तुम ले जाओ मैं उसको लेके सैलून चली गई तैयार कराने के लिए एक तो उन्होंने कहा जी आप बाहर बैठेंगी चले वो पार्लर वाली जानने वाली निकली उसने कहा आप अंदर आके बैठ जाएं रिजवान भाई एक इंडस्ट्रियल लाइन लगी हुई थी चेन लगी हुई थी कि जैसे कोई डब्बे की पैकिंग हो रही है पहले जो एक चीज फिर दूसरी चीज कई एक आधा साल होने मैंने सुना है मैंने पता नहीं वहाँ शीशे नहीं होते वहाँ शीशे रखे नहीं हुए उन्होंने आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है आप कितने को भयानक निकले सो बात ये कि एक बंदे को इनके ब्राइडल सैलून में मैं तो कभी भी मेरे हमारे कोई जानने वाला फैमिली को हम इनके पास भेजते हैं ओनली फॉर वन मेजर रीजन काम तो देखे बहुत अच्छा है और सीधी बात है कि आप तो यूट्यूब पे सीख के बहुत से लोग करते हैं बट लोग थोक के हिसाब से काम करना चाह रहे हैं पर्सनलाइज्ड अटेंशन अगर आपको चाहिए कि सुकून से तहम्मुल से बच्ची तैयार होके अपनी शूट पे जाए और शूट भी इन हाउस है अगर आपने स्टूडियो में करनी है आउटडोर की भी हो सकती है और आपके तो आउटडोर का भी पूरा सेटअप लगा हुआ है इन द मॉडल टाउन स्टूडियो और लोकेशंस भी आपके इससे का भी अब नहीं कर रहे बट मुनज़ा तस्वीरें खींचती है ब्राइड की खुद भी खींचती है ओ हां तो जो बच्चियां मेल से नहीं तस्वीरें खिंचाना चाहती हैं उनका पर्दा का इशू वो भी सारा इसी से कंफर्टेबल होती है अच्छा तो ये तो आपके स्टूडियो का आपकी फोटोग्राफी कैसी जा रही है क्योंकि फिर डीवीज की मैं बात करूं हमारी मेरी जो फोटोग्राफी है माशाल्लाह ठीक जा रही है ज्यादातर बाहर करता हूं थाईलैंड में और बाकी यहां पे भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं मतलब आपका प्रॉपर ऑफिस है वहां पे हां जी सेटअप है आपका वहां पे हां तो जो टीम है सारी वहीं है मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब वहीं पे है दूसरा जो है ये इधर लाहौर में हमारे स्टूडियोज हैं जो हम रेंट पे देते हैं कराची भी आपका काम होता है कराची में जाता रहता पाकिस्तान में आपका होता है पाकिस्तान में चक्कर लगता है इस्लामाबाद पे भी गया था शूट के लिए पाकिस्तान में चलता रहता इधर जो स्टूडियो हमने बनाए हैं दो स्टूडियो जो रेंट पे देते हैं सेट्स बने हैं उसमें प्री मेड सेट्स लोग आते हैं शूट्स भी करते हैं तो वो भी चल रहा है साथ साथ अल्लाह का शुक्र है सब कुछ साथ साथ चल रहा है एंड डीवीज एज अ ब्रांड क्या कर रहा है वो हमारा यही एक्चुअली इस वक्त डीवीज के ब्रांड के नीचे जो स्टूडियोज है ना वो आए हुए हैं और हाँ वो स्टूडियोज चल रहे हैं ज़्यादा हम उन पर फोकस कर रहे हैं अच्छे सेट्स बना रहे हैं बड़े बना रहे हैं छोटे नहीं हैं ताकि लोग आके आराम से काम कर सकें ब्राइडल शूट्स हो रहे हैं वहाँ पर रियल ब्राइड्स वगैरह भी आ जाती हैं हमारा प्राइवेट रोड पर तो लेक सिटी वाले आ जाते हैं तो वो बेहतर रहता है उधर बिल्कुल सो द पॉइंट इज वन स्टॉप शॉप की बात करें तो दैट्स यू गाइस माशाल्लाह एंड जेन्युइनली I know मेरा आपसे आपका प्राउड होना क्या कोई इतनी वैल्यू तो नहीं रखता लेकिन ऑनेस्टली आई एम प्राउड टू से कि मैंने अपनी मॉडलिंग का स्टार्ट आप लोगों के साथ लिया आई एम प्राउड टू से कि यू आर माई फैमिली एंड मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि आज आप शो पे आए क्योंकि व्यूअर्स आपको जो बनाने वाले लोग होते हैं ना उनको इन पर्सन दुनिया के सामने शुक्रिया अदा करने का मौका बड़ा कम मिलता है लोगों को तो एज अ मॉर्निंग शो एंकर अल्लाह का करम है कि ये एक चीज़ है तो अल्लाह आप लोगों को मजीद कामयाबी दे और बाय द वे रिजवान भाई मैं आपकी सीनियर हूँ एक चीज में होस्टिंग में ये मैं तुमसे तो अब मैं आपकी सीनियर हूँ किसी चीज में वैसे भी सीनियर सिटीजन हूँ लेकिन उसके साथ साथ आपकी सीनियर भी हूँ आपसे मशवरा लेना है आपसे नहीं क्योंकि आप बड़े बुरे मशवरे देते हैं कभी कभी तो आपसे मशवरा लेना है कि पावर कपल एक कामयाब कपल के पीछे क्या राज है ये मैं आपसे जानूंगी जल्दी से किचन में नजर डाल के क्योंकि हाँ जी रोटी भी बड़ी जरूरी होती है जी मेरा बेटा क्या सिचुएशन है यस एवरीथिंग इज रेडी फ्राइड फिश को सर्व कर दिया गया है फ्राइज के साथ और साथ में हमारी इमली की चटनी भी
बिल्कुल, क्या वंडरफुल, इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड अगेन इसी फिश को अगर आप एयर फ्रायर में तैयार कर दें और जो आलू हैं उसके जगह आप शकरकंदी या स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करें एयर फ्रायर के अंदर ही, तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे आपके मशवरे के साथ। किस बारे में बात करनी है? मियाँ बीवी दोनों जब काम कर रहे होते हैं, अपने आप को एक सक्सेसफुल पावर कपल कैसे बनाया जाए, हर चीज साथ कैसे लेके चले? सबसे पहले कम्युनिकेशन, आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है हर मामले पे, किसी भी चीज़ के ऊपर। ये नहीं कि जी कल बात हो जाएगी या रहने देते हैं, ज़रूरी आपस में बात करनी है, दोस्ती होनी चाहिए आपस में, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिलेशनशिप स्ट्रांग होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों को, आपको लंबी सेहत वाली खुशियों भरी जिंदगी अता करें। आमीन आमीन सो आमीन। व्यूअर्स, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा। आजकल मेरा जिंदगी का मिशन ये है कि मैंने भैया का यूट्यूब चैनल चलाना है ताकि इनकी भी ट्रोलिंग शुरू हो। तो इसी नियत के लिए चले इनके चैनल को फॉलो कर ले। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खुश रहें, आबाद रहें, जुम्मा मुबारक, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। वीकेंड फैमिली के साथ वक्त गुजारें, भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जिएं, और किसी के लिए आसानी नहीं पैदा कर सकते तो तकलीफ़ ना उसको दें। खुदा हाफ़िज़।